हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बढ़िया सा कूलर, बहुत ही सस्ता और बहुत ही पावरफुल कूलर अनबॉक्स करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो ये रहा हमारा कूलर, जो कि बहुत ही तेज़ हवा देता है। और मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कैसे ये वर्क करता है और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है। तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो स्विच मिल जाते हैं, जो कि एक फ़ैन का है और एक पंप का है। तो देख सकते हो इसके जो जाल है वो कितना ही हार्ड चादर से बनी हुई है, देख सकते हो। अभी मैं इसे आपको अंदर से दिखा देता हूँ खोलकर। तो अब मैं इसे कूलर के अंदर से आपको खोलकर दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका एक गेट, इसे ऊपर को करेंगे, देख सकते हो ये खुल चुका है। और दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितना मजबूत है। तो देख सकते हो कि ये जो इसकी चादर जो है इतनी मोटी है और कुछ इतना भारी भी, बहुत वजन है इसमें, जो कि बहुत ही मजबूत है ये। अब मैं अंदर से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो अंदर ये इसकी मोटर है, देख सकते हो इतनी बड़ी ये मोटर है। ये पंखड़ी है, जो कि तीन तीन पंखड़ी वाली है ये। और ये रहा इसका पंप, देख सकते हो पंप भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी है पंप की भी। और ये जो मोटर है, ये मोटर कॉपर में नहीं है, ये सिल्वर में है। और देख सकते हो सामने भी इसके एक जाल लगा हुआ है, एक गेट सामने भी है, और पीछे जो है, पीछे जो एक बड़ा गेट है जो साइडों में है, उनसे बड़ा पीछे गेट है। और देख सकते हो ऊपर भी पाइप लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा। ये जो इसकी बॉडी है ये अच्छी चादर से बनी हुई है बॉडी, देख सकते हो काफ़ी, और काफ़ी भारी भी है ये। तो अब मैं इसे आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ कि कैसा वर्क कर रहा है ये। तो चलिए पहले ये जो इसका ढक्कन है इसे लगा लेते हैं, देख सकते हो ये इस तरीके से लगता है, इसे ऊपर कर देते हैं। और ये देखो ये लग चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसे चला के दिखा देता हूँ। ये रहा इसका जो प्लग है, प्लग की भी डोरी काफ़ी अच्छी है, हैवी डोरी है, 3 प्लग है। और अब मैं बोर्ड में लगाता हूँ। देख सकते हो मैंने लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं पंप जो है, पंप का स्विच ऑन करता हूँ, देख सकते हो पंप चालू कर दिया। और जो दोस्तों इसमें जो है करंट वरंट बिल्कुल भी नहीं है, ये कहने के लिए ये एक कूलर, ये लोहे का कूलर है, लेकिन इसमें करंट नहीं है, देख सकते हो। मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ और मैंने देखो, अब मैं पानी पर हाथ भी लगा लेता हूँ तो करंट नहीं। बाजी टाइम ऐसा होता है कि करंट आ भी जाता है तो हम मिस्त्री से निकलवा सकते हैं। अगर आप जानते हो कुछ नॉलेज तो आप भी निकाल सकते हो। इसका करंट तार टच हो जाता है मोटर वोटर में। तो अब मैं पंखा भी चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखो देखो दोस्तों कितनी तेज़ इसकी हवा आ रही है, और मेरी आवाज़ भी आपको सही से आ नहीं रही होगी, देख सकते हो कितनी तेज चल रहा है। ये देखो, दोस्तों काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। तो अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, ये कितने रुपए का आता है। तो दोस्तों ये सिंपल हमें सस्ता मिल चुका है, 3500 रुपये का ये हमें मिल गया है। और देख सकते हो इतना बड़ा ये कूलर है, अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखो टेबल पर रखा हुआ है। दोस्तों मैं चाहता आपको बाहर भी दिखा देता, लेकिन बाहर काफ़ी धूप हो रही है तो इस बारे मैंने नहीं दिखाया। तो देख सकते हो ये 3500 रुपये का हमें मिल गया है, और ये कुछ साइड में से थोड़ा पतला है और पीछे से चौड़ाई ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं कि बराबर हो, इधर से भी चौड़ा हो पीछे से भी नहीं, ये यहाँ से साइड में से पतला है और पीछे से चौड़ा है। तो देख सकते हो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लाते रहते हैं वीडियो एक्सपेरिमेंट की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।